अच्छा बहुत बच्चों, बहुत आप शुक्रिया। जब ये कुछ लोग रहते हैं बड़े अपने आप को बड़ा बहादुर मानते हैं, बड़े पहलवान मानते हैं और कहते हैं मैं मास्क नहीं पहनूंगा, मैं ये नियम पालन नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, अब तब आप लोगों को कैसा लगता है? नमस्कार सर, नियम को तो मानना ही पड़ेगा। आशिमा पुरी बुरा लगता है जिला से बात कर रही हूँ। तो जैसे अभी आपने बोला कि जब लोग मास्क नहीं डालते या कोविड गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते तो बहुत उस टाइम पे डिसअपॉइंटिंग लगता है, क्योंकि जो हमारी सरकार है उसने इतनी अवेयरनेस क्रिएट की है इस पेंडेमिक को लेकर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वो बहुत अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं, बट स्टिल जब लोग नहीं समझते इस बात को तब बहुत बुरा लगता है। एंड मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि हमने और हमारे मतलब लोकैलिटी में कुछ बच्चों ने, तो हमने एक अवेयरनेस ड्राइव कुछ महीने पहले चलाई थी जब अनलॉक हुआ था यहाँ पे, एंड हमने जैसे नुक्कड़ नाटक किए, हमने प्रॉपर कोविड गाइडलाइन से लेकर लोगों में जगह जगह जाकर हमने बताया था कि आपके लिए कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मास्क पहनना एंड उसको वॉश करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आप लोग इसको फॉलो कीजिए। तो आई थिंक कि ऐसे अगर हम अपने लेवल पे भी कुछ इनिशिएटिव लें और खुद रिस्पॉन्सिबल बने तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है।